आगामी गणेश उत्सव और ईद के दौरान अचानक उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए हिंगन घाट पुलिस ने आज पुलिस स्टेशन मैदान में मॉक ड्रिल अभ्यास किया। उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित ने शांति व्यवस्था भंग कर सांप्रदायिक अशांति फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। आज पुलिस उप विभागीय अधिकारी रोशन पंडित, पुलिस निरीक्षक मारुति मुलुक के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस दंगा दस्ता, पुलिस जवान, SRP व होमगार्ड दस्ता की मौजूदगी में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। इस समय अचानक आने वाले स्थिति पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन और मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित ने कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक तनाव पैदा करने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है और शहर की किसी भी तरह की कानून व्यवस्था भंग न हो इसकी भी अपील की है। माहितीच आहे की 28 तारखेला आपल्या इथे हिंगणघाट आणि पूर्ण संपूर्ण राज्यभरामध्ये गणपती विसर्जन आणि ईदची मिरवणूक ही एकाच दिवशी निघणार आहेत। त्या दिवशी आम्ही मॉब ड्रिल, नंतर दंगा काबू योजना आणि रूट मार्च यांचं सगळ्यांचं आयोजन केलं आहे। तर सध्या दोन्ही सण आहेत एकदम शांततेनं आणि जातीय सलोख्यामध्ये पार पडले पाहिजे, यासाठी आम्ही योग्य तऱ्हेचा बंदोबस्त 27-28 तारखेपासून पूर्ण गणपती विसर्जनाच्या पिरियडपर्यंत आम्ही नेमलेलो आहे। ईदच्या दिवशी देखील आमचा एक विशेष बंदोबस्त आहे। जवळपास 100 आमचे पुरुष कर्मचारी, 110 होमगार्ड प्लस 10 महिला होमगार्ड, नंतर एक SRP प्लॅटून आणि एक RCB पथक, असे जवळपास 250-300 लोकांचा आमच्याकडे बंदोबस्त आहे। तर ही दोन्ही सण एकदम जातीय सलोख्याच्या वातावरणात पार पडले पाहिजे, यासाठी आम्ही एकदम तंतोतंत बंदोबस्त। NBC News के लिए हिंगन घाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।